नमस्कार, मैं हूं जयश्री सेठी। पाठ्यपुस्तक सारंगी से मजेदार कहानियां और कविताएं लेकर आपके सामने हूं। कुछ सुनेंगे, कुछ गुनगुनाएंगे, कुछ देखेंगे और कुछ लिखने और सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात खेल गीत की। बताइए, खेल गीत कौन से होते हैं? किन गीतों को हम खेल गीत कहते हैं? आसान है, खेलों को खेलते समय गाए जाने वाले गीत खेल गीत। मैं जब छोटी थी तो मैं दो खेल अक्सर खेला करती थी और उसमें हम ये गाया करते थे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, याद है आपको? या फिर वो वाला, पोषम पा भाई पोषम पा, डाकियों ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई। तो ऐसे गीत जो बच्चे हम मिलकर गाते हैं, गुनगुनाते हैं और खेल खेलते हैं। अब अलग अलग जगहों पर, प्रांतों में, बोलियों में मजे मजे के खेल गीत हैं। जो खेल गीत आपके लिए आज लेकर आई हूं, उसमें कौन है जो सुबह सुबह बांग देकर हमको जगाता है? कौन? मुर्गा। और उस पर आधारित ये बहुत मजे का है। इसमें बहुत सारी आवाजें हैं जिसे आप और हम मिलकर गाएंगे और मजे लेंगे। शुरू करें। मुर्गा बोला कुकड़ू कू, मुर्गा बोला कुकड़ू कू, चल मेरे भैया रुकता क्यों? मुर्गा बोला कुकड़ू कू, चल मेरे भैया रुकता क्यों? कुत्ता भौंके भौं भौं भौं, कुत्ता भौंके भौं भौं भौं, अटकी गाड़ी पौं पौं पौं, अटकी गाड़ी पौं पौं पौं। दोहरा एक बार। मुर्गा बोले कुकड़ू कू, मुर्गा बोले कुकड़ू कू, चल मेरे भैया रुकता क्यों? कुत्ता भौंके भौं भौं भौं, कुत्ता भौंके भौं भौं भौं, अटकी गाड़ी पौं पौं पौं। बकरी आई बिल्ली आई, म्याऊं म्याऊं आई, बकरी आई बिल्ली आई, मैं आई म्याऊं म्याऊं आई, धक्की गाड़ी धौं धौं धौं, धक्की गाड़ी धौं धौं धौं, चल दी गाड़ी पौं पौं पौं। ये था एक मजे का खेल गीत। आपने इसका चित्र देखा जब ये कविता मैं आपके साथ गा रही थी? क्या क्या नजर आ रहा था? एक रेलगाड़ी दिखाई दे रही थी और रेलगाड़ी में बहुत सारे जानवर बैठे हुए थे, कुछ बच्चे भी थे। तो मुझे ये बताओ, कौन कौन सी आवाजें थी इस खेल गीत में? बताओ, सोचो सोचो। कुकड़ू कू, वो वो, भौं भौं, म्याऊं म्याऊं, ये आपने आवाजें सुनी? सुनी थी ना? इन आवाजों के आधार पर आप जानवरों को भी तो पहचान सकते हैं। कई बार हम केवल आवाजें सुनते हैं और बता देते हैं कि कौन से जानवर हैं। कुकड़ू कू, बताइए कौन सा जानवर? मैंने जैसे ही बोला कुकड़ू कू, आपने सोचा मुर्गा। मैंने जैसे ही कहा मैं, आपने कहा बकरी। मैंने जब कहा म्याऊं, आपने कहा बिल्ली। तो मैंने आवाज बोली और आपने उस जानवर को पहचान लिया। ये तो जानवरों की आवाजें थी। दो आवाजें और थी इस खेल गीत में, जहां तक मुझे याद है वो जानवरों की तो नहीं है। तो बताइए किसकी आवाजें हैं वो? पौ पौ, धौ धौ। सोचिए, यह गाड़ी की आवाज। जब गाड़ी का हॉर्न बजता है तो पौ पौ जैसी आवाज आती है कि नहीं आती है? आपने सड़क पर बहुत सी गाड़ियां देखी होंगी। हर गाड़ी की एक अलग आवाज है। उन आवाजों को सुनना और लिखने का प्रयास करना। मैं आपकी सहायता कर देती हूँ। जैसे स्कूटर की आवाज गर गर, साइकिल की घंटी की आवाज टन टन, बस की आवाज घर घर, रेलगाड़ी की आवाज छ छ छ छ छ छ।
अब आप स्क्रीन पर देखा आपने ऑटो, ऑटो की भी एक आवाज है। जब साइकिल रिक्शा चलता है उसकी एक अपनी अलग आवाज है। और जब टक 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 घोड़ा गाड़ी चलती है तो उसकी भी एक आवाज है। तो अपने आसपास की इन आवाजों को देखने का, सुनने का, आवाज़ों को तो आप ऐसे सुनेंगे ही, पर उसके साथ उस वाहन को भी तो आप देखेंगे। तो उस आवाज़ को सुनिएगा और उसे लिखने का एक प्रयास कीजिएगा। अब बनाते हैं एक कहानी, मैं नहीं, आप और हम मिलकर बनाएंगे। आपको स्क्रीन पर हम एक कहानी का चित्र दिखाएंगे, उसमें दो चित्र हैं। आपको चित्रों को देखना है और अंदाज़ा लगाना है, अपनी कल्पनाशीलता से बताना है कि क्या हो रहा है और इसके आगे क्या होगा। कहानी तभी तो आगे बढ़ेगी। तो देखिए, ये रहा पहला चित्र। पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? मुझे दिखाई दे रही हैं दो गिलहरियां, पर गिलहरियों के बीच में क्या है? पानी बह रहा है। ये तो अच्छा नजारा है, पेड़ पौधे भी हैं, पर पानी के बीच में कौन है? पानी के बीच में है मगर, मगरमच्छ। पैने दांत होते हैं। भाई मुझे तो मगरमच्छ से बहुत डर लगता है। आपको भी अगर मगरमच्छ से डर लगता है तो सोचिए इन दो गिलहरियों की क्या हालत होगी। इन्हें मगरमच्छ से डर नहीं लग रहा होगा। अब एक उस पार नहीं जा सकती, दूसरी उस पार से इधर नहीं आ सकती। फिर क्या हुआ? मुझे लगता है कि दोनों गिलहरियों को भूख लग रही है। अब क्या किया जाए? एक के पास अखरोट है, दूसरी के पास अखरोट नहीं है। अब बीच में बैठा है मगरमच्छ। अगर नदी को पार करने की कोशिश करेंगे तो मगरमच्छ पकड़ लेगा। फिर इधर वाली गिलहरी उधर वाली गिलहरी को अखरोट कैसे भेजेगी? सोचो, चित्र में दिखाई दे रहा है ना, क्या जुगत लगाई गिलहरी ने दूसरी गिलहरी को अखरोट किस जुगत से मजेदार तरीके से भेज दिया। बेचारा मगरमच्छ हाथ मलता रह गया, दांत पीसता रह गया और गिलहरियों ने अपना काम कर लिया। तो ये तो थी मेरी समझ से कहानी। अब इस कहानी को आप चित्र के जरिए देखें, उसे अपने शब्द दें और उसे सुनाएं अपने सहपाठियों को, अपने दोस्तों को, अपने अध्यापिका को और मजे लें। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी या कविता के साथ। बहुत सारा अपना ख्याल रखें। नमस्कार।